तो फ्रेंड्स आज बनाते हैं बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाला कम तेल का सूजी का ऐसा नाश्ता जिसे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे आधा कप सूजी। तो ये मैं बारीक वाली सूजी ले रही हूँ, तो आप मोटी वाली भी ले सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 टीस्पून जितना दही। तो आप दही कौन सा भी ले सकते हो, खाने वाला या फिर खट्टा दही। अब इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का यूज़ बिल्कुल मतलब थोड़ा सा करना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही झटपट बन जाता है, सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे बनाकर दे सकते हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए जो बैटर है पहले से थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा ग्लास जो है पानी। तो आधा ग्लास पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। तो इस तरीके का हमें बैटर चाहिए बस, देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा दिखता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कुकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, वो इसे एक्टिवेट करने के लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा तैयार है और पैन भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। अब हम इस पर 2 चम्मच बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो बिल्कुल हमें डोसे की तरह नहीं फैलाना है, थोड़ा सा ऐसे इसे गाढ़ा गाढ़ा ही इसी तरह से रखना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखी है मैंने। अब साइड से थोड़ा सा हम इस पर ऑयल डालेंगे, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से। और जब तक ये नीचे से अच्छे से सिक नहीं जाता हमें इसे पलटना नहीं है, वरना ये टूट जाएगा। तो देखिए ये एक तरफ से अच्छे से मतलब कुक हो चुका है। अभी इस साइड से ये थोड़ा सा बाकी, इसलिए मैं थोड़ी देर और रहने दूंगी। तो देखिए ये अच्छे से बन चुका है और बहुत ही आसानी से ये निकल गया है, देखिए आप देख सकते हैं। तो हमें इसे निकालने में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, जब तक ये अच्छे से नीचे से सिक नहीं जाता हमें इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो इसी तरह से हम सारे शीट जो है वो बना लेंगे। देखिए मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है ये। तो सारे शीट जो है मैं बना लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो शीट मैंने बना ली है, 5 से 6 शीट मेरे बनकर रेडी हुए। तो एक शीट लेंगे हम इस तरह से और इस पर आलू डालेंगे इस तरह से। तो ये आलू मैंने जो तड़का वाले आलू होते हैं, हरी मिर्च, ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता, प्याज और ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इस पर चीज़ ग्रेट करके लिया है। तो इस तरह से हमें इस पर डालकर इसे ऐसे फैला लेना है और इसे
स्क्वायर शेप में हम इसे वैसे बना लेंगे। तो आप चाहो तो इसे लॉन्ग से, जो लॉन्ग होती है उसे इसे आप लॉक कर सकते हो, या फिर टूथपिक से भी आप इसे लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को आप टिफ़िन में दीजिए, झटपट 10 मिनट में बन जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में। आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए। तो इसी तरीके से मैं सारे शीट जो है वो बना लूँगी। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सा बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके रेडी है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।